नमस्कार साथियों, मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक प्यारे से मंच पर जिसका नाम है डीजे सर क्लासेस। दोस्तों, आज अपन करने वाले हैं एक नए अध्याय की शुरुआत। अध्याय की शुरुआत करने से पहले आपको कोर्स के रिगार्डिंग कुछ जानकारी मैं दे देता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो ऐप के अंदर टेस्ट वन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की है। ये तो हो गई कोर्स के रिगार्डिंग बात और तैयारी से रिलेटेड जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करी। उसके बाद क्लास की शुरुआत जो अपन करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट से करते हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट रहने वाला है दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट रहने वाला है कि दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति कभी भी अपने जो एम होते हैं या लक्ष्य होते हैं उनको बार बार नहीं बदलता। दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को बार बार नहीं बदलता, बल्कि वो क्या करता है, उन लक्ष्यों को पाने के लिए हर भरसक प्रयास करता है। तो आप भी अपना एम डिसाइड करिए, अपना लक्ष्य डिसाइड करिए, और उस लक्ष्य को पाने के लिए बिल्कुल आप निरंतर प्रयास करते रहिए। कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये था दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और पसंद आया होगा। और करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। दोस्तों, आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं एक नया अध्याय। उसका नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। उसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी गणितीय संक्रियाएं अपन पढ़ने वाले हैं। इजी चैप्टर है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। NTPC हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, या अपना बैंक का एग्जाम हो, वहाँ से इस चैप्टर से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। आपने मैथ्स में भी इसको पढ़ा होगा। सिंपली इसमें क्या यूज करना है, किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यहाँ देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर पिछली क्लास आपने अभी तक नहीं देखी, पिछली क्लास मैंने आपकी ब्लड रिलेशन से करवाई थी। ब्लड रिलेशन मैंने पूरा करवा दिया है, लगभग आपके 8-10 चैप्टर मैंने पूरे करवा दिए हैं। बेसिक थ्योरी आपकी कंप्लीट मैं करवाता जा रहा हूँ, और आज जो मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ, आज अपना चैप्टर रहने वाला है मैथमेटिकल ऑपरेशन। चलिएगा, आइएगा, जुड़ते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ और शुरुआत करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन की। तो सभी सबसे पहले एक टॉपिक डालेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है गणितीय संक्रियाएं। मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर का नाम क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन या गणितीय संक्रियाएं, ये आज का अपना अध्याय रहने वाला है। दोस्तों, इसमें जो अपन क्वेश्चन करेंगे, किस किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले एक बेसिक फॉर्मूला है या बेसिक मेथड कह लीजिए आप, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे। जनरल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपने मैथ्स में किया होगा, बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा होगा, तो वही अपन यहां यूज करने वाले हैं। वी बोर्ड मास क्या यूज करने वाले हैं, वी बोर्ड मास अपन मेथड यूज करने वाले हैं। दोस्तों, वी का मतलब जो होता है वैनिकुलम, यानी कि रेखा बंधनी। सबसे पहले अगर इक्वेशन में ये आ रहा है अपना, तो इसको सोल्व किया जाएगा, फिर सोल्व किया जाएगा कोष्टक को। किसको सोल्व किया जाएगा दोस्तों, कोष्टक को सोल्व किया जाएगा। कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं अपने पास दोस्तों, अपने पास जो कोष्टक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। और ये सोल्व कैसे किया जाता है, सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद फिर मिडिल ब्रैकेट सोल्व होगा, और उसके बाद फिर बिग ब्रैकेट अपना सोल्व किया जाएगा। उसके बाद ऑफ, ऑफ से देखते हैं क्या होता है, का, ओ का मतलब होता है ऑफ, और इसका मतलब होता है का, और एक तरीके से ये क्या होता है, प्रोडक्ट ही होता है। क्या होता है ये, प्रोडक्ट ही होता है। डी से होता है अपना डिवाइड, यानी कि भाग, और इसका साइन क्या है, ये रहा। एम से क्या होता है, मल्टीप्लाई, और इसका मतलब होता है गुणा। उसके बाद है एड, यानी कि जोड़, और इसका साइन है प्लस, और ये है अपना सबट्रैक्ट, यानी कि घटाओ, और ये इसका
साइन है। यानी कि अगर आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन या क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होगा इस वाले चैप्टर के अंदर, वो लेफ्ट टू राइट होगा दोस्तों। कैसे होगा? लेफ्ट टू राइट होगा। इट मींस सबसे पहले आप इस ऑर्डर में चलेंगे। किस ऑर्डर में चलेंगे? इस ऑर्डर में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे वैनिकुलम को, फिर ब्रैकेट को, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एड और सब्ट्रैक्ट। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, चलेगा। आइए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इसकी, कि क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें पूछा जाता है। चलेगा, पहला क्वेश्चन लिखिए। टाइप नंबर वन से शुरुआत करते हैं इसकी, कि टाइप नंबर वन के अंदर इसमें किस किस टाइप से प्रश्न अपने से पूछे जाएंगे। टाइप नंबर वन, पहला क्वेश्चन लिखिए। यदि प्लस का अर्थ है गुणा, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, यदि प्लस को क्या बोला जाता है? गुणा। गुणा को बोला जाता है भाग। गुणा को बोला जाता है भाग। माइनस का अर्थ है प्लस। भाग का अर्थ है घटाना। तो निम्नलिखित समीकरण का उत्तर ज्ञात करो। तो निम्नलिखित समीकरण का उत्तर ज्ञात करो दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। और समीकरण क्या है? ये रही आपकी समीकरण, देखिएगा। आपको दिया गया है 60+8 डिवाइडेड बाय 2, 60+8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 4+4-2। इस इक्वेशन का क्या करना है दोस्तों? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिएगा, इक्वेशन ये है, तो ये जो गिवन इक्वेशन है इसी को सॉल्व करने मत लग जाना। सबसे पहले आपको क्या करना है? ये जो आपको साइन दिए गए हैं इनको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? प्लस की जगह मल्टीप्लाई यूज करना है, मल्टीप्लाई की जगह क्या यूज करना है आपको? डिवाइड। और डिवाइड की जगह क्या यूज करना है? माइनस, माइनस टू। मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, और माइनस की जगह, माइनस की जगह यूज करना है आपको प्लस। चलो अब सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या सोल्व किया जाएगा? ये वाला। तो 60 × 8 - 2 डिवाइडेड बाई 4+2, यही है अपना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये कितना आ गया? 1/2। इसको कट करेंगे तो, और प्लस 2। इसको एलसीएम ले लिया जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा अपना 480 को डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 960 माइनस 1 और प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 964 माइनस 1। इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों डिवाइडेड बाय 2, यानी 963 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में, कि साइन चेंज करके आपको इक्वेशन की वैल्यू पूछने के लिए बोलेंगे और आपको इक्वेशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। इसको देख लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, यदि टाइप नंबर फर्स्ट ही चल रहा है अपना अभी,
यदि P को प्लस Q को माइनस R को डिवाइड S को मल्टीप्लाई प्रदर्शित करे तो अपने को जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है 18S 36 R 12 Q6P7 इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है दोस्तों। Q6P7 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आइएगा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो आपको जो अल्फाबेट दिए गए हैं उनकी जगह आपको क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है कि कौन सा ऑपरेशन लगाया जाएगा। तो देखिएगा 18s, s की जगह क्या यूज करना है आपको, मल्टीप्लाई 36। r की जगह आपको क्या यूज करना है, डिवाइड बाई 12। q की जगह आपको यूज करना है -6 और p की जगह आपको करना है +7। ये हो जाएगा अपना, सबसे पहले डिवाइड को सोल्व किया जाएगा। 36 में 12 को डिवाइड करेंगे तो 18 3 टाइम्स चला जाएगा, माइनस के 6 प्लस के 7। इसको आगे सोल्व करेंगे, 18 3 जा 54, माइनस के 6 प्लस 7। 54 में फिर क्या ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 61। 61 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 55। तो क्या आंसर हो जाएगा अपना, 55 अपना आंसर निकल आएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और किस किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। दोस्तों यह है अपना टाइप नंबर फर्स्ट, तो टाइप नंबर फर्स्ट में इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टाइप नंबर सेकंड देखिए, टाइप नंबर सेकंड आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है। टाइप नंबर सेकंड देखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, चलेगा। यदि प्रश्न में प्लस माइनस गुणा भाग या बराबर को उपयुक्त तारांकित स्थान पर रखिए जिससे समीकरण सही हो सके, जिससे समीकरण सही हो सके। आपको क्या करना है, ये साइन आपको यूज करने हैं और एक इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन में साइन नहीं मिलेंगे और सिर्फ आपको इक्वेशन मिलेगी और स्टार मिलेगा। तो पहली इक्वेशन है 6*4*20*4, ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में इन साइन का यूज अपने को करना है। और ऑप्शन ये दिए गए आपको, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। तो ए ऑप्शन है आपका प्लस बराबर और मल्टीप्लाई, दूसरा ऑप्शन है आपका मल्टीप्लाई इक्वल्स टू प्लस, थर्ड ऑप्शन है आपका डिवाइड इक्वल्स टू माइनस, और फोर्थ ऑप्शन है आपका प्लस इक्वल्स टू माइनस।
दोस्तों ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन की हेल्प से आपको इस दी गई समीकरण को क्या करना है, बैलेंस करना है। किस टाइप से ये बैलेंस होगी तो देखेगा किस टाइप से इसको बैलेंस करना है। पहला ऑप्शन ही रखते हैं, चलो 6 + 4 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 4। चलो इसको सोल्व पर पे देखते हैं, अगर 6 + 4 10 होता है तो इक्वल्स टू आना चाहिए इसके। क्या पहला ऑप्शन हो सकता है 10 = 80 हो सकता है? जी नहीं, पहला ऑप्शन अपना नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरा ऑप्शन चेक करिए, दूसरा ऑप्शन है मल्टीप्लाई इक्वल्स टू प्लस 6 × 4 = 24 = 20 + 4 = 24। जी हाँ, दूसरे ऑप्शन से LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है। तो कौन से साइन यूज करें आप जिससे कि आपका इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए? तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, सेकंड ऑप्शन आप यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों इस टाइप से, इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक दो क्वेश्चन और कर लीजिए, जैसे कि इक्वेशन मैं चेंज कर रहा हूं और ऑप्शन भी मैं चेंज कर रहा हूं। इक्वेशन अब की बार दूसरी इक्वेशन है, इक्वेशन है 14 * 22 * 46 * 10। ये अपनी इक्वेशन है, इसको क्या करना है दोस्तों, आपको बैलेंस करना है। और इसके ऑप्शन है अपने -= -, -= -, दूसरा ऑप्शन है अपना +−= +−, += -, += -, और है मल्टीप्लाई इक्वल्स टू मल्टीप्लाई। दोस्तों ये अपने ऑप्शन हैं, इन ऑप्शन का यूज करते हुए आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। पहला वाला ऑप्शन करते हैं 14, पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं 14 - = -, चलो इनको माइनस करते हैं। तो ये कहीं से बराबर आ रहे हैं क्या, देखते हैं। 14 में से माइनस के 22 करेंगे तो नहीं होगा, माइनस के 8 होगा और ये तो 36 होगा, तो ये पहला तो नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरा चेक किए, प्लस माइनस और इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस माइनस और इक्वल्स टू, पहले प्लस करेंगे 22 में 14 अगर अपन ऐड करते हैं तो अपना 36 आता है। कितना आता है 36 माइनस 46 करेंगे तो माइनस के 10 आएगा, इक्वल्स टू होगा 10 के। जी नहीं, बी भी नहीं होगा। उसके बाद सी ऑप्शन पे चलिए, सी ऑप्शन चलेंगे प्लस फिर इक्वल्स टू और फिर माइनस, 14 + 22 ये हो रहा है 36, इक्वल्स 46 - 10 ये हो रहा है 36। जी हाँ, 36 = 36 अपना हो चुका है। कौन से ऑप्शन से हुआ है, अपना सी ऑप्शन से। तो दिए गए ऑप्शन में सी अपना आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपने को ऐसे ही करना है। इसमें क्या मिलेगा आप लोगों को, साइन मिल जाएगा और इक्वेशन मिलेगा और उसको बैलेंस करना है। ये हो गया इसका सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप में इस टाइप के ही क्वेश्चन अपन से पूछे जाएंगे दोस्तों। अब चलते हैं आगे कि और कौन से टाइप के क्वेश्चन अपन से पूछे जा सकते हैं। इसमें चलते हैं नेक्स्ट, इसके टाइप पर चलते हैं, टाइप नंबर 3 पे, कि इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन अपने पास आने वाले हैं। चलते हैं टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं देखिएगा। कौन से चिन्हों और संख्याओं को परस्पर बदल देने से निम्नलिखित समीकरण सही बनेगा, देखिएगा प्रश्न से समझते हैं। कौन से चिन्हों तथा संख्याओं को परस्पर बदल देने से कौन सा विकल्प सही बनेगा, यह आपका क्वेश्चन है।
और इक्वेशन क्या है, अपनी इक्वेशन है 6+2, अपनी जो इक्वेशन है 12+4 −6=32, ये अपनी इक्वेशन है, इक्वेशन मैंने कर दी है। इसके बाद जो ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये इसको इधर सॉल्व करना है। ऑप्शन ए है डिवाइड और माइनस, ये तो इसके साइन हो गए, चिन्ह हो गए, और संख्याएं कौन कौन सी है, 6 और 4, संख्याएं कौन कौन सी है, 6 और 4 तथा 6 व 4। उसके बाद बी ऑप्शन है अपना, बी ऑप्शन है, इसमें साइन है प्लस और माइनस तथा चार व छः। सी ऑप्शन है अपना, सी ऑप्शन है मल्टीप्लाई और प्लस तथा 6 व 4 तथा 6 व 4। और लास्ट ऑप्शन है अपना मल्टीप्लाई और माइनस तथा 4 व 6। देखो ऑप्शन से अपने को इसका आंसर निकालना है, क्या करना है, ऑप्शन से अपने को आंसर इसका निकालना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए, इस टाइप का प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। क्या है, कौन से चिन्हों तथा संख्याओं को परस्पर बदल देने से कौन सा विकल्प सही बनेगा। परस्पर बदलना है यानी आपस में साइन और संख्याएं भी चेंज होगी। पहले तो साइन देखो कौन सा होगा, डिवाइड और माइनस साइन है, तो जहां डिवाइड है वहां माइनस यूज करें और जहां माइनस है वहां डिवाइड यूज करेंगे, और संख्याएं जहां 6 है वहां 4 यूज करें, जहां 4 है वहां 6 यूज करेंगे, चलेगा। आइएगा पहला ऑप्शन चेक करता हूं मैं, पहला ऑप्शन है मेरा 12 तो लिखा नहीं गया है, 12 को ऐसा का वैसा लिखेंगे, प्लस और तो है नहीं, प्लस जैसा का जैसा लिखेंगे, 4 है 4 की जगह 6 यूज करें, माइनस है माइनस की जगह डिवाइड यूज करें, और 6 की जगह क्या यूज करें 4, और इक्वल्स टू तो है नहीं, और 32 को वैसा का वैसा रख दें। क्या इससे ये लाया जा सकता है, जी नहीं, इससे ये लाया नहीं जा सकता, देखेंगे फिर भी कोशिश करेंगे अपन, नहीं लाया जा सकता। तो ए ऑप्शन तो अपना नहीं हो सकता दोस्तों, ए ऑप्शन तो अपना बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बी ऑप्शन को देखिए, बी ऑप्शन में क्या करना है, प्लस और माइनस को चेंज करना है, तो 12 प्लस यानी प्लस की जगह माइनस आएगा, और 4 है 4 की जगह 6 यूज करें, माइनस है माइनस की जगह क्या यूज करें, प्लस, 6 की जगह 4 यूज करें, और इक्वल्स टू तो नहीं करना 32। यहां से देखिए बी ऑप्शन आपको क्या लिखा गया था, बी ऑप्शन लिखा गया था आपको प्लस माइनस तथा 4 व 6, जी बिल्कुल बी ऑप्शन अपन चेक करने जा रहे हैं, तो चेक करिए इसको, 12+4=16 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 10 = 32 आएगा, नहीं बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन चेक करिए, सी ऑप्शन हो सकता है क्या, मल्टीप्लाई और प्लस यूज करना है आपको, मल्टीप्लाई और प्लस, तो 12 × 4 प्लस की जगह मल्टीप्लाई की जगह 4 यूज करना है, 12 और 4 भी तो चेंज करना है, 4 को क्या लिखना है 6, माइनस तो नहीं करना, 6 की जगह क्या यूज करना है 4, और इक्वल्स टू की जगह अपने को 32 लाना है, इक्वल्स टू क्या लाना है 32। देखते हैं 12 × 6=72 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये तो नहीं हो रहा, 68 आ रहा है अपना, ये नहीं हो सकता, तो सी भी नहीं हो रहा। डी को चेक करते हैं, क्या डी हो सकता है क्या, मल्टीप्लाई और माइनस यूज करना है, 12 + 4, 4 की जगह 6 यूज करो, माइनस की जगह मल्टीप्लाई यूज करो, और 6 की जगह 4 यूज करो, क्या आ सकता है, देखते हैं, 32 ही लाना था आपको, 16
कितना है 24, 24 और 12। दोस्तों यहाँ पर इसको सही कर लीजिए, ये वाला ये गलत से मिस्टेक्स हैं, 32 की जगह आप 36 कर लीजिए। देखते हैं क्या आ सकता है अपना। 16 4 जा 24, 12 प्लस 24 इक्वल्स टू 36। जी बिल्कुल, 36 इक्वल्स टू 36 आ चुका है। तो ऐसे कौन से दो साइन होंगे दोस्तों जिनको अपने को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर 36 कर लीजिएगा, वो गलती से 36 की जगह 32 लिख दिया गया है, उसको 36 करना है अपने को। उससे अपना आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा अपना, यानी कि मल्टीप्लाई और माइनस की जगह अपन ये यूज करेंगे और साइन भी चेंज करेंगे, अंक भी चेंज करेंगे, तो अपना आंसर निकल आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने से पूछे जाएंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन में, आपको ऐसे ही करना है, ऐसे प्रश्न को आपको इस टाइप से ही बनाना है। एक काम आप कर सकते हैं इसमें चेक करने वाले में, कि आपको शुरू से पूरा चेक नहीं करने पड़े। इसके लिए आप क्या करें, डायरेक्टली क्या करें, ऑप्शन नंबर डी को चेक करें एक बार, और एक बार क्या करें ऑप्शन नंबर डी को चेक करें, फिर उसके बाद देन आप आगे बढ़ जाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले प्रश्न पर, कि और किस किस टाइप से क्वेश्चन अपने से पूछे जा सकते हैं। दोस्तों यही एक टाइप है जो यहां पर बनता है, और देख लीजिए कि और कौन कौन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे कि और करते हैं एक दो प्रश्न। हाँ चलिएगा, एक अच्छा प्रश्न करते हैं, चलिएगा। टाइप नंबर 4 दे दीजिए इसको नाम। डेल्टा जो होता है ये है अपना इक्वल्स टू के बराबर, और ये वाला जो है ये है अपना नॉट इक्वल टू। प्लस का अर्थ है ग्रेटर देन, इसका अर्थ है अपना लेस देन, माइनस का अर्थ है कम नहीं, माइनस का अर्थ है कम नहीं है। तो क्या हो सकता है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है, इसका मतलब है कम नहीं, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है माइनस का। और ओ से ओ का अर्थ है बड़ा नहीं, ओ का अर्थ क्या है बड़ा नहीं, तो लेस देन और इक्वल टू हो सकता है। यहाँ पर सारे सिंबल आपको दे दिए गए हैं, उसके बाद आपसे पूछा गया है, प्रश्न को पढ़िए और सही उत्तर पर अपने को क्या करना है, निशान लगाना है। यदि एक्स माइनस वाई माइनस जेड तो नहीं है, अपने को ये वाला चेक करना पड़ेगा। यदि एक्स वाई माइनस जेड तो नहीं है, यदि एक्स माइनस वाई माइनस जेड तो नहीं है, ये वाला चेक करना है अपने को। तो ए ऑप्शन है अपना, बी सी एंड डी। दोस्तों इसको देखिएगा, ए है अपना एक्स वाई डेल जेड, ये है अपना आगे चलिएगा, दूसरा है एक्स ओ वाई प्लस जेड, एक्स ओ वाई प्लस जेड, सी ऑप्शन है अपना एक्स वाई प्लस जेड और एक्स वाई माइनस जेड। ये चार ऑप्शन को अपने को चेक करना है, क्या करना है अपने को, यदि एक्स वाई जेड तो यह नहीं है, यदि एक्स वाई जेड तो यह नहीं है। चेक करते हैं यदि एक्स वाई जेड सही नहीं है, ये अपने को चेक करना है किससे नहीं होगा, एक्स वाई जेड किससे नहीं होगा, ऑप्शन वो चेक करना है अपने को। यानी कि तीन ऑप्शन से तो एक्स वाई जेड बनेगा, एक्स वाई जेड में रिलेशन बनेगा, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें एक्स वाई जेड में रिलेशन नहीं बनेगा। दोस्तों अपने को वही चेक करना है, इसके अंदर क्या करना है, वही चेक करना है।
तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन में चेक करने जा रहा हूं एक्स, इसका मतलब क्या है, यहां देखिए नॉट इक्वल टू, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई डेल वाई बराबर जेड, तो नहीं है एक्स वाई और जेड तो नहीं है, क्या है एक्स वाई और जेड तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शन अपना सही हो गया। अपने को ऐसे ही चेक करना है इनको, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अपने को गलत वाला ढूंढना है, ये तो सही बोल रहा है तो नहीं है, तो ये क्यों लेंगे, ये नहीं लेंगे। उसके बाद बी ऑप्शन को चेक करिएगा, एक्स ओ का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू वाई प्लस जेड, यानी वाई ग्रेटर देन जेड। देखो एक्स वाई जेड तो नहीं है, एक्स जो है अपना इक्वल टू और लेस देन है किसके, वाई के, एक्स वाई के इक्वल हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है, वहां से वाई बड़ा है एक्स से, तो एक्स वाई और जेड तो नहीं है, बिल्कुल ये भी सही है अपना, यानी ये जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है बी ऑप्शन में। सी ऑप्शन को चेक कीजिए, एक्स इसका मतलब क्या है, लेस देन वाई प्लस जेड, यानी वाई ग्रेटर देन जेड, तो देखिएगा एक्स जो है छोटा है वाई से और वाई बड़ा है जेड से, देखिएगा एक्स जो छोटा है वाई से और वाई बड़ा है जेड से, तो बिल्कुल ये भी सही बोल रहा है, एक्स वाई जेड तो नहीं है, क्या बोला है एक्स वाई जेड तो नहीं है, एक्स वाई जेड तो नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है सी ऑप्शन भी। डी ऑप्शन को चेक कीजिए दोस्तों, डी ऑप्शन है एक्स इसका मतलब है लेस देन और वाई माइनस जेड, वाई माइनस माइनस का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, देखिएगा दोस्तों वाई इक्वल टू और ग्रेटर देन है जेड के, तो जेड को इधर लाएंगे तो जेड ग्रेटर देन है एक्स से, नहीं जेड ग्रेटर देन, यहां देखे इसको ध्यान से समझिएगा, डी ऑप्शन को, डी ऑप्शन को ध्यान से समझिएगा, डी ऑप्शन को ध्यान से समझिएगा, अगर वाई बड़ा है जेड से और इक्वल टू है जेड के, तो क्या मैं वाई और जेड को एक लिख सकता हूं, नहीं, लेकिन वाई तो बड़ा रहेगा जेड से, इक्वल टू भी रहेगा, तो यहां से जेड बड़ा है एक्स से, जी हां, तो ये बिल्कुल एक हो गए, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा अपना, डी वाला ऑप्शन होगा, यानी कि ये जो बोल रहा है नहीं है ये बिल्कुल है, इसलिए ये वाला डी वाला ऑप्शन अपना सही माना जाएगा, यानी जो अपना जो आंसर होगा दोस्तों इस वाले का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। तो दोस्तों इस चैप्टर में जो क्वेश्चन अपन से पूछे जाएंगे वो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि वैसे तो ये चैप्टर में बस इतना ही था, आपसे जो थ्योरी पूछी जाएगी इतनी ही पूछी जाएगी, उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस टेस्ट वन पे जाकर कर सकते हैं, कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट वन पे जाकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में बस इतना ही था कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट वाली जो क्लास रहेगी अपनी, एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। आज की क्लास में अपन ने सीखा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में किस किस टाइप से क्वेश्चन अपन से पूछे जाएंगे, अपने को उन क्वेश्चन के लिए क्या रहना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं या मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और टेस्ट वन पर भी अगर विद्यार्थी जो मेरे से पढ़ रहे हैं अगर उनको कहीं भी कुछ भी दिक्कत आती है और अगर अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं वो, तो उसके लिए उनको करना क्या होगा, सिंपली टेस्ट वन उनको सब्सक्राइब करना होगा, और उसकी जो वैलिडिटी रखी गई है दोस्तों वो 1 ईयर की है। इस एक साल में, एक साल तैयारी के लिए बहुत होता है दोस्तों, अगर आप मन से या लगन से तैयारी कर रहे हैं तो साल भर के अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब आप फिक्स हो जाती है या ले लेते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ टेस्ट वन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए